डर डर डर, क्या जवाब दोगे? अरे मरना तो सबको एक दिन, कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब जाएंगे जमीन की गिजा इंशाल्लाह सऊदी ओवैसी भी बनेगा। हशर के मैदान में क्या जवाब दोगे? यकीनन मैं मानता हूं कि हम इख्तदार पर नहीं है, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम इतनी बेबसी के मजाहरे करें कि एक जालिम के जुर्म के खिलाफ भी आवाज। ए हाथा हिला, क्या हिला रहे? इधर देखो, 6 फुट 2 इंच का आदमी खड़ा हुआ, इधर देखो तुम, पूरे हिंदुस्तान का हीरो मैं, उधर देखो, कहां देख रहे हो? उधर देख, छोड़ो उसको, चलाओ। और मैं, हम भी 70 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं? खाली वोट डाल रहे सेकुलरिज्म के नाम पे, कांग्रेस को डाले, दादी को डाले, बेटे को डाले, बेटे के बेटे को डाले, मगर क्या नतीजा निकल रहा? 0-0। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं, सबर करने का मतलब ये नहीं है कि हम जुल्म को सहते जाए, सबर करने का मतलब यह है कि हम मजलूम के लिए लड़ें, सबर करने का मतलब यह है कि हम जालिम के खिलाफ लड़ें, जीत हार जो भी आती है उस पर सबर करें, मगर सबर का मतलब हर किसी के नहीं है कि हम जुल्म को सहते जाएं, मार पे मार को सहते जाएं, नहीं मेरे भाई, सबर का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ दुआ और दुरूद और विर्द को पढ़कर खामोश हो जाए, सबर का मतलब यह है कि अल्लाह के सामने सर को झुकाना, रातों में उठकर सजदे करना, रोना, और जब दिन का सूरज निकलता तो निकलना अपनी दुआओं का जमाने के लिए।